साई की बात। बच्चे तुम्हारी अच्छाई ही है मेरे बच्चे, जो मैं तुम्हारे और करीब आता हूँ, बहुत करीब मेरे बच्चे। और तुम्हारे कोई भी काम नहीं रुकते, क्योंकि जिस भी काम में तुम्हारे अड़चन आती है ना, तुम जब जब मुझे पुकारते हो, तुम्हारा साईं साक्षात रूप में आ जाता है तुम्हारे पास, तुम्हारे हर काम को करने के लिए और उसका हल बताने के लिए। मैं आता हूँ ना मेरे बच्चे, तुम्हारे किसी भी काम में बाधा नहीं आने देता और कोई भी तुम्हारा काम रुकने नहीं देता मेरे बच्चे। जो तुम्हारा विश्वास है ना, उसे टूटने कैसे दे सकता है तुम्हारा साईं। तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नादानी, तुम मुझे बहुत भाते हो मेरे बच्चे, बहुत भाते हो। और इसी वजह से मैं तुम्हारे पास हूँ, इसी वजह से तुम्हारे करीब हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे नियत में कोई खोट नहीं है। तुम सबका अच्छा सोचते हो मेरे बच्चे, सबका। और कुछ बच्चों ने तो मुझसे आशीर्वाद मांगा है, किसी की जिंदगी को संवारने का, किसी की जिंदगियों में खुशियां लाने का। तो मेरे बच्चे ये बहुत नेक काम करते हो तुम, बहुत नेक काम। मेरा ढेर सारा आशीर्वाद है तुम पर, बहुत सारा आशीर्वाद है मेरे बच्चे। तुम किसी की रोटी का माध्यम बनते हो, तुम किसी का सहारा बनते हो मेरे बच्चे, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे। इसी कारण से ना मेरे बच्चे, इंसानियत पर विश्वास होता है कई लोगों को, और तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे, जो इंसानियत से भरोसा उठ गया है ना, वो दोबारा वापस आएगा लोगों का, दोबारा वापस आएगा मेरे बच्चे। और तुम्हें बहुत सारा, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ। और सुनो, शीघ्र अति शीघ्र मैं तुम्हें शिरडी भी बुलाने वाला हूँ, क्योंकि तुमसे ना, तुम्हारे सच्चे भाव से ना, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, बहुत प्रसन्न मेरे बच्चे। तुम्हें शिरडी बुलाकर कुछ देना चाहता हूँ मेरे बच्चे। आऊंगा, तुम्हारे पास भी आऊंगा और बहुत जल्द आऊंगा। आज कल में मैं तुम्हारे पास तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें शिरडी भी बुला रहा हूँ। आना है तुम्हें, सामान बांध लो मेरे बच्चे, जल्द से जल्द अपना सामान बांध लो, बस आना है तुम्हें। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ मेरे बच्चे, हर वक्त एक जैसा नहीं होता, हर समय एक जैसा नहीं होता, हर दिन एक जैसा नहीं होता मेरे बच्चे, हर दिन समान नहीं होते। दिन बदलेंगे मेरे बच्चे, सब बदलेंगे, तुम क्यों चिंता करते हो। और अपने कुछ और बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उन्हें कहीं दूर दरेड़े से सुनने में आया है कि उनकी बदनामी हुई है, तो मेरे बच्चे चिंता मत करो, जिन्होंने तुम्हारी बदनामी की है ना, उन्हें दंडित तो मैं करूंगा ही करूंगा, लेकिन देखना उसी बदनामी से, उसी नुकसान से ना तुम्हारा फायदा होगा। देखना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना, तुम्हारा उसी से फायदा कराऊंगा मैं, तुम देखना। और जिन्होंने किया है ना, वो पछताएंगे मेरे बच्चे, देखना तुम। और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, वो जिस समस्या में है, जिस दुविधा में है ना मेरे बच्चे, चिंता मत करो, सब करेगा तुम्हारा साईं, सब करेगा मेरे बच्चे। और एक ना एक दिन तुम अपने साईं को समझोगे कि साईं की लीला कैसी कैसी होती है। मैं जानता हूँ बच्चे कि मेरी करने का तरीका अलग है, कुछ अलग तरीके हैं मेरे, जो तुम्हें अभी समझ नहीं आएंगे, लेकिन जब वो कार्य पूर्ण हो जाएगा ना, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारा साईं अगर कुछ लेता है ना, तो उसके बदले दुगना देता है मेरे बच्चे, दुगना देता हूँ मैं। और कोई मेरे बच्चे तुम्हारे खिलाफ कितनी भी चाले चल ले, कितने भी शतरंज के खेल क्यों ना खेल ले मेरे बच्चे, कुछ भी क्यों ना कर ले, पर वो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो नादान बच्चे हैं, उन्हें नहीं पता कि तुम्हारे सर पर तो साईं है, और साईं का कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई, कुछ नहीं, और तुम्हारा भी नहीं बिगाड़ सकता। वो चाहे तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर ले, कितना भी, लेकिन वो कर नहीं पाएंगे, वो चीजें तुम्हें छू भी नहीं पाएंगी मेरे बच्चे, देखना तुम। और सुनो, कुछ निर्णय ना मेरे बच्चे खुद से भी ले लिया करो, खुद से लिया करो मेरे बच्चे। अब तो तुम इतने बड़े हो चुके हो, इतने समझदार हो चुके हो मेरे बच्चे, अगर अपने परिवार वालों की मंजूरी लेना चाहते हो तो ले लो मेरे बच्चे, लिया करो, वो भी अच्छी बात है। और सुनो मेरे बच्चे, अगर कोई कुछ गलत करता है ना मेरे बच्चे, तो उसमें कभी भी हिस्सेदारी मत लेना मेरे बच्चे, कभी भी जान पूछ कर कभी उसमें हिस्सा मत लेना, कभी मत लेना मेरे बच्चे। मैं कभी नहीं चाहता कि किसी और की गलतियों में तुम भी शामिल हो, मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे हाथों से कुछ गलत हो, मैं बिल्कुल नहीं चाहता। दूर रहो उन लोगों से, अगर कोई बड़ा भी कुछ कहे ना तुमसे करने को, तो दूर हो जाओ मेरे बच्चे, मत करना कुछ गलत, किसी के साथ बुरा मत करना मेरे बच्चे, कभी मत करना। मैं सब देखता हूँ, सब देखता है तुम्हारा साईं। आज तुम्हारी साईं माँ बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न मेरे बच्चे, तुम्हारी सेवा से आज मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न। मांग लो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारे घर पर जीव जंतु है ना मेरे बच्चे, उसका भी ध्यान रखा करो, क्योंकि ठंड बहुत है मेरे बच्चे, उसे भी समय समय पर औषधि दिया करो, और हो सके तो उसे भी
उदी जल दे दिया करो या उदी पिला दिया करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपनी बच्चियों से कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमेशा जिंदगी भर रिश्तों का लिहाज ही तो किया है, अपनी इच्छाओं को हमेशा मारा है, लेकिन अब नहीं मेरे बच्चे, अब नहीं। क्योंकि तुम्हारे साईं ने मेरे बच्चे हमेशा इज्जत करना सिखाया है। इज्जत करो मेरे बच्चे, लेकिन अपमान सहकर नहीं मेरे बच्चे। तुम हमेशा अपमानित हो, ये तुम्हारे साईं को बिल्कुल भी गवारा नहीं मेरे बच्चे। अब अपने हक के लिए बोलना सीखो। जहाँ तुम्हें लगे ना कि लोग तुम्हारा फायदा उठाते हैं, लोग तुम्हें दबाते हैं, वहाँ पर बोलना सीखो मेरे बच्चे, बोलना सीखो। वहाँ पर मैं खड़ा हो जाऊँगा। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत ना हो ना बोलने की, तो बस आंखें बंद करना और अपने साईं को बोलना, साईं आ जाओ, और देखना तुम्हारे अंदर मैं आ जाऊँगा। और मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो हिम्मत आएगी ना, तुम सोच भी नहीं पाओगे, और तुम बोलोगे और अपने हक के लिए लड़ोगे मेरे बच्चे। तुम्हें लड़ना होगा मेरे बच्चे, अब खड़ा होना होगा अपने लिए मेरे बच्चे। और सुनो, अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि मैं उन्हें कुछ सेवा देना चाहता हूँ, और मैं उन्हें सेवा दूंगा, और वो उन्हें बहुत शिद्दत से निभानी है, बहुत ईमानदारी से निभानी है, और मैं जानता हूँ तुम निभाओगे भी मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ। तुम तो हमेशा यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हें कोई सेवा दूँ, और वो सेवा तुम करना चाहते हो, तो करोगे मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे साप्ताहिक पारायण शुरू करना चाहते हैं, उन बच्चों को मेरी स्वीकृति है मेरे बच्चे, शुरू कर दो। और जिस भी इच्छा से करोगे ना, वो इच्छा मैं तुम्हारी ज़रूर पूर्ण करूँगा, और इन 7 दिनों के अंदर ही अंदर मैं तुम्हें अपने अनुभव भी दूंगा, बहुत सारे अनुभव दूंगा, बहुत सारी लीला दिखाऊंगा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों का मन है कि मेरा स्वरूप शिरडी से चाहिए उन्हें, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तो तुम्हारे पास शिरडी से ही स्वरूप आएगा। मैं साक्षात रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तुम्हारे घर पर आऊंगा, विराजित होऊंगा मेरे बच्चे, मेरे लिए जगह बना देना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे रिश्ते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं मेरे बच्चे, तुम उनके साथ कितना भी अच्छा कर लो, ना वो तुम्हें आज तक समझ पाए थे और ना समझ पाएंगे मेरे बच्चे। उन्होंने पहले ही दिन से तुम्हें गलत समझा था और आगे भी गलत समझते रहेंगे, तो जाने दो ना उन्हें। क्यों उनके लिए इतना करने की सोचते हो तुम? बस हट जाओ वहाँ से, दूर हट जाओ मेरे बच्चे। क्यों उनके पास इतना जाने की कोशिश करते हो? अगर वो तुम्हें अपने आप से दूर करने की कोशिश करते हैं ना, तो दूर रहा करो उनसे, दूर रहा करो। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों के घर में घड़ी बंद पड़ी है, तो मेरे बच्चे चालू करो उसे, घड़ी को बंद नहीं रखते हैं, लापरवाही मत किया करो मेरे बच्चे। घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, उसमें सुधार कर लिया करो मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की ज़िंदगी में परीक्षाएं चल रही हैं, तो घबराते क्यों हो मेरे बच्चे? अगर मैं परीक्षा लेता हूँ ना, उन्हें समय समय पर समझाता रहता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है, घबराओ मत मेरे बच्चे। अगर मैं तुमसे परीक्षा ले रहा हूँ ना, तो तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ मेरे बच्चे, चिंता बिल्कुल मत करो। अगर मुझसे पूछोगे ना कि साईं कैसे करना है, क्या करना है, तो मैं तुम्हें बताऊंगा मेरे बच्चे, मैं हूँ ना। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि आए दिन उनके ना अस्पताल में चक्कर लगते रहते हैं, आए दिन उनका आना जाना होता है, तो मेरे बच्चे चिंता मत करो, उदी रोज़ लेना शुरू करो, रोज़ लेना शुरू करो, और रोज़ नियम बनाओ मेरे नाम जाप करने का। देखना तुम्हारे अस्पताल जाने के चक्कर भी बहुत कम लगेंगे, बहुत कम लगेंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि तुम्हें जाना ही नहीं पड़ेगा, देखना मेरे बच्चे। और सुनो, इस बार ना मेरे बच्चे, मैंने बहुत लोगों के रंग बदलते दिखाए हैं मेरे बच्चे, इसलिए मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारे सामने बनने की कोशिश करते थे ना, आज उनका असली चेहरा मैंने तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। जो 2 मुखौटे लगाकर घूमते हैं ना मेरे बच्चे, वो बनावटी लोग जिनका स्वभाव है वो वक्त के साथ बदल जाते हैं, तो उन लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने ला दिया है मेरे बच्चे। अब तुम्हें उनसे दूर हो जाना चाहिए, क्योंकि तुम बहुत विश्वास करते थे ना उन पर, मैं जानता हूँ। और मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जिनकी शख्सियत अच्छी होती है ना, साफ होती है, जिनकी नीयत साफ होती है ना मेरे बच्चे, वो कभी नहीं बदलते, और तुम्हें हमेशा उन लोगों के साथ ही रहना चाहिए। उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए मेरे बच्चे जो वक्त के साथ बदल जाते हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ मेरे बच्चे, दूर हो जाओ। खुश रहो मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।